हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्राउड मेथड के बारे में। इसके पहले जो मैंने दो वीडियो और अपलोड किए हैं इसके, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इस सीरीज के गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, जैकोबीज एंड गॉस सिडल, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्राउड मेथड के बारे में। इन पांचों ही मेथड्स में क्राउड मेथड ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसी मेथड में बहुत सा डाटा मुझे याद करना पड़ता है। इसलिए गाइस लास्ट तक देखिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगेगा ये कैसे याद करेंगे, बट करना होगा। क्लियर है? टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है, इस वजह से थोड़ा सा याद करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा कि फार्मूलों को कैसे याद किया जा सकता है, बट करना आपको ही होगा। चलिए गाइस, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए गाइस देखते हैं। तीन इक्वेशंस गिवन हैं, इनमें से अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्राउड मेथड में क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं ax बराबर b फॉर्म में, जहां पर a एक मैट्रिक्स होती है, x एक मैट्रिक्स होती है और b भी एक मैट्रिक्स होती है। आप सभी ने m1 में मैट्रिक्स के चैप्टर में ये सब पढ़ा होगा, इसलिए यहां तक का तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। a मैट्रिक्स क्या होती है गाइस, वो वैल्यूज जो एक्स वाई जेड के पहले लिखी हूं, मीन्स कॉफिशियंट मैट्रिक्स। और इसे नोट करता हूं मैं, a11 इसका मतलब हुआ पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। 21 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली 31 का मींस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 का थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। और वैल्यूज क्या आएंगी, 1 2 3, 1 माइनस 1 1, 1 3 माइनस 1, ये आ गए मैट्रिक्स ए। एक्स, एक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होती है जिन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, मीन्स एक्स y, z। b, b हमेशा वो मैट्रिक्स होती है जो इक्वेशंस के इक्वल्स टू में लिखी होती है, मतलब 3, 16, -3, और इसे नोट किया जाता है b1, b2, b3 से। क्लियर है गाइज? तो सबसे पहले मैंने दी गई मैट्रिक्स इक्वेशंस को लिखा ax बराबर b फॉर्म में। आफ्टर दैट इसके बाद मुझे एक ड्राइवन मैट्रिक्स लिखनी होती है, और ड्राइवन मैट्रिक्स हमें लिखनी होती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में। ड्राइवन मैट्रिक्स किसके फॉर्म में लिखते हैं गाइज, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में, और उसमें कुछ भी नहीं करना होता। ड्राइवन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये जो कुछ भी लिखा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इसको एक साथ करके लिखिए और सब पर डैश लगा दीजिए। सब पर क्या लगा दीजिए गाइज, डैश। तो मैंने वही किया, a11 पर डैश, a12 पर डैश, जितने भी एलिमेंट है आप सब पर डैश लगा दीजिए। अब क्राउड मेथड में सिर्फ इतना ही काम होता है गाइस कि ये जितने भी टर्म्स या कॉफिशियंट लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं इनको एक्चुअली, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं a11 डैश, a12 डैश या a22 डैश, a33 डैश, b3 डैश, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इन सब की वैल्यूज मुझे इन वैल्यूज और इस वैल्यू की हेल्प से निकल आएंगी। बट सभी वैल्यूज का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला अपन को याद करना होता है। इसलिए मैंने कहा था गाइस इसमें फार्मूले आपको कुछ ज्यादा याद करने पड़ेंगे और उन्हें लिंक भी करना पड़ेगा। तो देखिए इतने एलिमेंट्स हैं, इन सबको निकालने का अलग अलग तरीका होता है। बस मैं थोड़ी थोड़ी हिंट करता जाऊंगा कि इनको कैसे निकालते हैं गाइस। सबसे पहले कॉलम की वैल्यूज निकाली जाती है, आफ्टर दैट रोज की वैल्यू निकाली जाती है। मीन्स मैं यदि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब इसे जो ड्राइवन मैट्रिक्स बोलते हैं, यदि इसमें मुझे इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं सबसे पहले निकालूंगा a11, a21, a31। आफ्टर दैट मैं रो की वैल्यूज निकालूंगा, ये हो चुकी है तो a12, a13, b1। मतलब प्रोसेस ये होता है, पहले आप कॉलम की निकालिए, फिर आप रो निकालिए, फिर आप कॉलम निकालिए, फिर आप रो निकालिए, फिर आप कॉलम, फिर आप रो। क्लियर है? देखिए ये वैल्यूज बहुत सिंपल होती हैं। फर्स्ट कॉलम की a11 बराबर होता है a11, a21 बराबर होता है a21, और a31 बराबर होता है a31। तो देखिए गाइज a11 इक्वल्स टू a11, a11 का वैल्यूज गाइज ये लिखी हुई है, a11 इज इक्वल्स टू कितना मेंशन है यहां पर, 1, तो ये कितनी हो गई 1। a21 बराबर होता है a21, a21 मतलब ये, और ये वैल्यू कितनी है गाइज 2।
ए डैश थ्री वन बराबर ए थ्री वन, ए थ्री वन कितना है गाइस 3, तो ये आ गया 3, क्लियर है। सिमिलरली ये हो गया आपका कॉलम्स। अब हम निकालेंगे ये रो, रो का मतलब ए डैश वन टू, ए डैश वन थ्री और बी डैश वन। तो देखिए गाइज ये लिखी हुई है और ये वैल्यू जो चाहिए वो ऊपर मैट्रिक्स में मेंशन है, आप उनको पहले कॉपी पर लिख लें उसके बाद नीचे का देखें। देखिए गाइज ए डैश वन टू बराबर होता है ए वन टू अपॉन ए वन वन। आप ऊपर वाली मैट्रिक्स में गाइज आप पहले कॉपी पर लिख लें फिर उसके बाद मैच करते जाएं। ए वन टू की वैल्यू है 1, ए वन वन की वैल्यू है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, क्लियर है। सिमिलरली ए डैश वन थ्री बराबर होता है, ये जो ए डैश वन थ्री है, ए डैश वन थ्री बराबर होता है ए वन थ्री अपॉन ए वन वन। ए वन थ्री की वैल्यू 1 है, ए वन वन भी 1 है, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अब चाहिए बी डैश वन, बी डैश वन का फार्मूला होता है बी वन अपॉन बी वन वन। बी वन की वैल्यू 3 है, आप देखिए ये दिख रही है, बी वन की वैल्यू कितनी है गाइस 3 है और ए वन वन 1 ही था, तो वैल्यू कितनी आएगी 3, क्लियर है गाइस। आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको एक आप साइड में रफ पे लिख कर रख लें, ताकि जब मैं यहाँ फार्मूलों में वैल्यूज को बताऊंगा तो आप वहां से पुट कर उसे कैलकुलेट कर सकें, क्लियर है गाइस। तो देखिए कितनी वैल्यूज आ गई, ये 3 आ गई हैं और ये 3 आ गई। अब मैं क्या निकालूंगा कॉलम, मतलब ए डैश टू टू और ए डैश थ्री टू, फिर क्या निकालूंगा ए डैश टू थ्री और बी डैश टू। अब मैं आगे बताता चला जा रहा हूं, आप लोग इनको लिख कर रखिएगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट वैल्यू क्या है अपने पास, ए डैश टू टू। तो देखिए गाइस ए डैश टू टू का मेन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए डैश टू टू बराबर होता है ए टू टू माइनस ए डैश वन टू इंटू ए डैश टू वन। ए टू टू भी आपको पता है पहले हो चुका है, ए डैश वन टू पहले निकल चुका है और ए डैश टू वन भी पहले निकल चुका है। आप ये सारी वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके मिलेगी माइनस 3, कितनी मिलेगी गाइस माइनस 3। सेम पैटर्न पे ए डैश थ्री टू बराबर आपको याद होना चाहिए ए थ्री टू माइनस ए डैश वन टू इंटू ए डैश थ्री वन, तो इस पे सारी वैल्यू पुट कीजिएगा तो मिलेगा माइनस 2। उसी प्रकार अब हम उसकी रो की वैल्यूज निकालेंगे, ए डैश टू थ्री बराबर होगा ए टू थ्री माइनस ए डैश वन थ्री इंटू ए डैश टू वन अपॉन ए डैश टू टू। ये जितनी भी वैल्यूज इसमें यूज होनी है ये सारी वैल्यू पहले कैलकुलेट हो चुकी होंगी, उन वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, रिजल्ट आना चाहिए माइनस 1/3। और बी डैश टू का फार्मूला बी टू माइनस बी डैश वन इंटू ए डैश टू वन अपॉन ए डैश टू टू, इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, रिजल्ट आएगा -10/3। कैलकुलेशन तो सिंपल होगी, मेन टास्क जो मैं बोल रहा था गाइस वो ये होता है ये जो फार्मूले लिखे हैं ये याद रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप ध्यान से देखिए गाइस, जो जैकोबी था, गॉस सिडल था, गॉस इलिमिनेशन था और गॉस जॉर्डन था, इनमें कभी कुछ याद करना पड़ा नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस था। यदि मुझे उसका प्रोसेस हल्का सा याद है तो हम उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट क्राउड मेथड में क्या हो रहा है, पहले ये फार्मूले, यदि यही याद नहीं होंगे तो हम ये डाटा रखेंगे किसमें, कैलकुलेट किसमें करेंगे। तो इसमें मेन टास्क होता है गाइस फार्मूलों को याद करना। अभी देखिए दो वैल्यूज और बची हुई हैं, ए डैश थ्री थ्री एंड बी डैश थ्री। तो देखिए ए डैश थ्री थ्री का ये लिखा हुआ है गाइस फार्मूला, ए डैश थ्री थ्री इज इक्वल टू ए थ्री थ्री माइनस ए डैश टू थ्री इंटू ए डैश थ्री टू माइनस ए डैश वन थ्री इंटू ए डैश थ्री वन। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कैलकुलेट करिए, रिजल्ट आना चाहिए -14/3। और बी डैश थ्री बी थ्री माइनस बी डैश टू इंटू ए डैश थ्री टू माइनस बी डैश वन ए डैश वन थ्री अपॉन ए डैश थ्री थ्री, और ये रिजल्ट आना चाहिए 4, क्लियर है। अब मैंने कहा था ड्राइवन मैट्रिक्स, ड्राइवन मैट्रिक्स का मतलब ये जो ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। अब ये सारी वैल्यू आ चुकी है, अब मैं सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर उसके बाद देखूंगा एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आती हैं। तो देखिए गाइस मैंने वही लिखा, दस द ड्राइवन मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, सारी वैल्यूज जो आ चुकी हैं उनको रख दिया। अब मुझे चाहिए एक्स वाई जेड, तो जेड बराबर होता है गाइस बी डैश थ्री, जेड की वैल्यू कितनी होती है बी डैश थ्री, फार्मूला है ये। बी डैश थ्री क्या था, बी डैश वन बी डैश टू बी डैश थ्री, ये वैल्यू थी, तो ये कितनी आ गई 4। वाई बराबर होता है बी डैश टू माइनस ए डैश टू थ्री इंटू जेड, जेड की वैल्यू 4 है, ए डैश टू थ्री आप मैच कीजिएगा इनमें से कौन सी वैल्यू ए डैश टू थ्री है, ऊपर लिखी होगी ये देखिए, ए डैश टू थ्री माइनस 1/3 है,
क्लियर है। उसी प्रकार इसमें ये जितना भी डाटा लिखा है ये सब आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, बस आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और इसको कैलकुलेट करके लिख देना है। तो मेन टास्क कैलकुलेशन का नहीं होता क्राउड मेथड में, मेन टास्क होता है ये जो फार्मूला है, जैसे x बराबर है b डैश 1 माइनस a डैश 13 इंटू z माइनस a डैश 12 इंटू y, ये याद होना जरूरी है। बाकी ये जो वैल्यूज हैं ये तो सब ऑलरेडी आ चुकी हैं, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मेन आपको ये याद रखना होता है। तो क्राउड मेथड में होता कुछ भी नहीं है, बस जो इसके फार्मूले हैं उन्हें याद करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो आपकी प्रॉब्लम्स होगी गाइस, आपको याद करना ही होगा, हमारा काम था आपको बताना, मैंने उनको बता दिया। यहां से इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बाई जेड हो जाएगा एक्स बाई जेड 1 - 2n 4। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अब ये पांचों टॉपिक इस पार्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपका बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फालसी मेथड एंड न्यूटन रैप्शन मेथड के बारे में। क्लियर है गाइस, तब तक के लिए हेलो एंड बाय बाय।